वाइट एफएफ नो स्किल सेंसियर गाइस, देखो ये चीज ना कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और गाइस सभी लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर ये नो स्किल सेंसी है क्या। और गाइस देखो जैसे कि मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में गेम प्ले दिखा ही रहा हूँ, ये गाइस वाइट एफएफ का गेम प्ले है। और गाइस आप लोग गेम प्ले में मतलब ये देखो कैसा गेम प्ले है भाई, मतलब ओनली रेड रेडी मारते ही यूएमपी से ओनली रेड रेडी लगता है, और ऐसा नहीं कि रेड रेड मतलब स्कोप खोल के रेड रेड मारते हैं। और गाइस देखो ये मोबाइल में मारना मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल ही है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है मारना। बट देखो वाइट एफएफ ऐसा कुछ यूज करते हैं उसके डिवाइस में जिससे ऐसा गेम प्ले भी पॉसिबल है। और गाइस अगर आपको ये सेंसिटिविटी खरीदना है ना तो गाइस आपको पे करना पड़ेगा, मतलब अगर आपको ऐसा गेम प्ले चाहिए तो गाइस वाइट एफएफ दावा करते हैं कि वो जो मतलब सेंसिटिविटी आपको प्रोवाइड करेंगे वो अगर आप लोग यूज करते हो तो गाइस आपका भी ऐसा रेड रेट पड़ेगा, बट आपको पे करना होगा। गाइस देखो और मेरे एक फ्रेंड ने नो स्किल सेंसी को बाय किया है और गाइस उसके अंदर क्या क्या है मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। उसको प्राइस अराउंड पड़ा था $20, मतलब अगर आप लोग ये नो स्किल सेंसी खरीदते हो तो गाइस आपको $20 पे करना पड़ेगा, मतलब इंडियन रुपीस में अराउंड 1600 रुपीस आपको पे करना पड़ेगा। और गाइस इतना ज्यादा अमाउंट पे करने के बाद क्या सच में आपको वर्थ इट होगा क्या नहीं गाइस सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा। नो स्किल सेंसी के अंदर क्या क्या है गाइस सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा, सिर्फ गाइस आप लोगों को इस वीडियो को लाइक कर देना है। और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना। सो गाइस चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली अगर आप लोग ये नो स्किल सेंसी खरीदते हो तो गाइस वाइट एफएफ जो जो यूज करते हैं ना मतलब गेम के अंदर जो जो सेटिंग यूज करते उसके साथ साथ एक्सटर्नल जो जो सेटिंग यूज करते हैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइस देखो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप लोगों को क्या-क्या करना है ऐसा गेम प्ले के लिए। और गाइस देखो नो स्किल सेंसी के अंदर क्या-क्या था ये तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के बाहर हो जाता है। बट गाइस देखो उसके अंदर क्या-क्या था मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा कि आप लोगों को क्या-क्या सेटिंग करना है सब कुछ बता दूंगा। तो गाइस सबसे पहला जो चीज है वो है इन गेम सेटिंग। देखो वाइट एफएफ का जो इन गेम सेटिंग है वो गाइस आप लोग बैकग्राउंड में देख ही सकते हो, उस फोल्डर में जो नो सेंसी फोल्डर है उसके अंदर सबसे पहले यही है कि आपको अपना जनरल जो है ये सब इसके मतलब जो स्क्रीनशॉट में दिखाया इसके जैसा कर लेना है, पूरा सेम टू सेम आपको कर लेना है, पहला चीज तो यही है। इसके बाद गाइस जो सेकंड नंबर चीज है वो है आपका फायर बटन। आप लोग क्या करते हो राइट साइड में रखते हो, बट गाइस आपको क्या करना है राइट साइड के एकदम नीचे रखना है। देखो गाइस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और गाइस आप लोग वाइट एफएफ का गेम प्ले भी आप लोग नोटिस करोगे तो देखना उसका फायर बटन भी एकदम नीचे की साइड रहता है। और गाइस उधर वीडियो में यही साफ साफ क्लियर है कि आपको मतलब फायर बटन को जितना नीचे की साइड आप लोग रखोगे उतना ही ज्यादा आपको ड्रैग का स्पेस मिलेगा और आप लोग रेड रेड पड़ेंगे, तो आपको फायर बटन को एकदम नीचे की साइड रखना है। चलो ये तो हो गया बेसिक सेटिंग जो वाइट एफएफ यूज करते हैं। इसके बाद गाइस जो मेन सेटिंग है वो गाइस आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखो गाइस वाइट एफएफ आईफोन यूज करते हैं, ठीक है। अब गाइस देखो वो नो सेंसी फोल्डर में ना आईफोन का कुछ सेटिंग था। अब गाइस देखो मुझे पता है आप में से बहुत सारे बंदे सब एंड्रॉइड ही यूज करते हो और गाइस वाइट एफएफ जो जो अपने आईफोन में यूज करते हैं वो अगर सेम टू सेम आपको एंड्रॉइड में यूज करना है ना तो गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है टॉकबैक सेटिंग। आप लोग गूगल पे जाकर डायरेक्टली टॉकबैक लिख सकते हो और गाइस इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। देखो गाइस जो जो एंड्रॉइड यूजर हो ना गाइस सबको ये चीज यूज करना ही है, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना चुका हूं गाइस, मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं या फिर वीडियो के एंड में दे दूंगा। गाइस आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखने के बाद ही उस वीडियो पे जाना है, अगर इधर से जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, ये पूरा वीडियो आप लोगों को समझना है, उसके बाद ही गाइस स्टॉक बैक वाला जो सेटिंग है वो गाइस मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो के एंड में जाना फिर गाइस जो जो सेटिंग है सब कुछ कर लेना। देखो पहले आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखो। इसके बाद गाइस जो फोर्थ नंबर चीज है जो वाइट एफएफ अपने सेंसी में प्रोवाइड किए थे वो गाइस देखो जैसे कि आपको पता है वाइट एफएफ यूएमपी से कैसे मतलब रेड रेड मारते हैं, और ऐसा नहीं कि ओनली रेड रेड मारते हैं मतलब स्कोप करके रेड रेड मारते हैं जो कि यार बहुत ही ज्यादा टफ होता है। और गाइस मैं सोचा था कि वो करते हैं ऐसा कुछ एमबॉट टाइप का होगा कि ऑटोमेटिक हेडपिट चला जाता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि यार वाइट एफएफ बोला कि मैं कुछ अलग सेंसी पेड सेंसी यूज करता हूं तो ऐसा हो सकता है। बट देखो ऐसा कुछ नहीं है, उस फोल्डर में सिर्फ और सिर्फ यही था कि जैसे मैं आप लोगों को ट्रेनिंग में जाके दिखा रहा हूँ आप लोगों को क्या करना है स्कोप खोलना है, ठीक है। स्कोप खोल के आप लोगों को 2-3 गोली मतलब बाहर फायर करना है, उसके बाद जिधर भी एनिमी है आप लोगों को सीधा उधर अगर लेफ्ट में एनिमी है तो वैसे आपको लेफ्ट में फायर करना है, मतलब स्क्रीन को मूव करके आप लोगों को लेफ्ट की साइड जाना है। अगर मतलब एनिमी राइट है तो स्कोप खोल के आपको राइट की तरफ अपना एम करना है और गाइस ऑटोमेटिक हेड लग जाएगा। और गाइस देखो ये टोटली प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका ये अच्छा होगा। और ऐसा कुछ मतलब वाइट एफएफ सेंसी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ऑटोमेटिक हेड पे चला जाएगा, ऐसा कुछ कुछ नहीं है, उसका गाइस अच्छा खासा प्रैक्टिस है इसी वजह से ये हो पाता है। और यूएमपी स्कोप हेडशॉट को अगर आप लोग को और भी ज़्यादा फास्ट बनाना है वाइट एफएफ की जैसा तो गाइस इस वीडियो पे आप लोग 5K लग जरूर से गड़ा देना। गाइस मैं आप लोगों को पूरा एक ट्यूटोरियल बता दूंगा कि कैसे आप लोग वाइट एफएफ जैसे एकदम फास्ट कैसे यूएमपी स्कोप करके ओनली रेड रेड मार सकते हो। सिर्फ गाइस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि गाइस 5K लाइक का जो एम है वो कंप्लीट हो जाए।
और गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक के ऊपर वीडियो ला सकूं, और चैनल को भी जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद गाइस जो दूसरा नंबर चीज है जो गाइस वाइट एवर नो सेंसी में प्रोवाइड किया हुआ है वो है डीपीआई मेजरमेंट, मतलब आपका फोन के हिसाब से आपका कितना डीपीआई होना चाहिए। अब गाइस देखो ये मैं आप लोगों को काउंट करके बता देता हूं, मैंने वो चीज यूज किया है और गाइस लगभग सबका सेम ही आएगा। देखो गाइस आप लोग डीपीआई 492 रख सकते हो, 492 डीपीआई आप लोग रख सकते हो, ये गाइस हर एक फोन में सूट करेगा। और गाइस मैं उधर से ही देख के आप लोगों को बता रहा हूं, गाइस अगर आप लोगों को डीपीआई बढ़ाना है तो गाइस आप लोग 492 रख सकते हो, वरना आपको अगर डीपीआई नहीं बढ़ाना है ना तो गाइस आप लोग मत बढ़ाना डीपीआई, क्योंकि अगर डीपीआई अगर बढ़ाओगे तो आपको पता ही है फोन के लिए हार्मफुल हो जाता है। बट अगर आपको फिर भी डीपीआई बढ़ाना है तो गाइस आप लोग 492 डीपीआई कर सकते हो। इसके बाद गाइस जो और एक चीज जो उधर प्रोवाइड किया हुआ है वो है रिजिडिटी। अब गाइस देखो रिजिडिटी जो है वो बेसिकली पीसी के लिए बना हुआ है, बट वाइट एफ मतलब वो तो आईफोन में खेलता है ना तो वो भी रेडिट यूज करता है। बट देखो आप लोग अगर एंड्रॉइड प्लेयर हो तो गाइस आप लोग को रेडिट कभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार देखो एंड्रॉइड में अगर आप लोग खेलते हो फ्री फायर और अगर आप लोग रेडिट यूज करते हो तो गाइस आपका आईडी जो है वो बैन हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा ही चांसेस है बैन हो जाने का, क्योंकि जो रेडिट है वो बैकग्राउंड में आपका रन करेगा। और अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो और बैकग्राउंड में अगर कोई चीज रन करता है तो वो सोचता है, मतलब फ्री फायर वाले सोचते हैं ये बैकग्राउंड में हैक चला रहा है, तो आपका आईडी डायरेक्ट बैन हो सकता है। तो गाइस आप लोग ये यूज मत करना कभी। और इसके बाद और कुछ सेटिंग थे जो सिर्फ आईफोन यूजर यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड यूजर नहीं यूज कर सकते। और अगर आप लोग एक आईफोन यूजर हो और अगर आप लोग को ये सेटिंग चाहिए तो गाइस मैं आप लोग को यूट्यूब में तो डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता, आप लोग इंस्टाग्राम में मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मैं आप लोग को बता दूंगा कि क्या क्या सेटिंग करना है अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो। वैसे एंड्रॉइड यूजर को जो जो सेटिंग करना है उसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, टॉकबैक सेटिंग है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, लास्ट में मैं एंड स्क्रीन में दूंगा तो उधर से आप लोग देख लेना। और इन सब चीज के अलावा अगर बात करें तो और कुछ था क्या फोल्डर में, मतलब वाइट एफ नो स्किल सेंसी में अगर और कुछ था तो गाइस ऐसा और कुछ नहीं था, ये सब ही चीज था। और गाइस देखो ये सब तो बेसिक चीज है, मतलब देखो वो जो चीज खरीदा वाइट एफ नो स्किल सेंसी तो उतना ज्यादा भी उसके लिए वर्थ इट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो आईफोन का सेटिंग है वो गाइस उसके लिए वर्थ इट है, मतलब और कुछ ऐसा कुछ तो खास नहीं है। तो गाइस देखो मैं आप लोगों को पूरा बोल दिया, मतलब आपको पैसा खर्च करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्या क्या था मैं आप लोगों को सब कुछ बोल दिया, अगर आप लोग ये फॉलो करते हो तो गाइस आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और गाइस मैं आप लोगों को एक बोनस ट्रिक भी देना चाहूंगा, देखो गाइस वाइट एफ जो है वो 3 फिंगर में खेलता है, सो गाइस देखो अगर आप लोगों को अच्छे से अच्छा गेम प्ले करना है ना तो गाइस आपको 2 फिंगर से 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि गाइस 2 फिंगर में आप लोग उतना अच्छा भी गेम प्ले नहीं दिखा पाओगे जितना 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर में दिखा पाओगे। तो गाइस आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप लोग 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर में शिफ्ट हो जाओ। वैसे आप लोग कितना फिंगर में खेलते हो आप लोग कमेंट में बता देना, आप लोग 3 फिंगर में खेलते हो, 4 फिंगर में खेलते हो या फिर 2 फिंगर में ही खेलते हो, आप लोग कमेंट में जरूर से बता देना। और गाइस देखो ये वाइट एफ का जो पेड सेंसी है मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर दिया, कि इस सेंसी के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या प्रोवाइड किया होगा आप लोगों को, सब कुछ मैं आप लोगों को फ्री में ही बोल दिया। सिर्फ और सिर्फ मैं यही बोल रहा हूँ कि गाइस इस वीडियो में प्लीज गाइस आप लोग 5K लाइक जरूर से करा देना, और गाइस प्लीज इस वीडियो को ना अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर देना, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना, और मेरे सेकंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे सेकंड चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और जो मैंने बोला था टॉकबैक सेटिंग वो अगर आप लोगों को देखना है भाई देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो भाई क्या फायदा होगा, आप लोगों को वो तो देखना ही पड़ेगा। तो फटाफट जाओ, मतलब एंड स्क्रीन में दिया हुआ है वीडियो, फटाफट जाके देख लो।